आवन हो पड़े ना सतगुरु, आवन हो पड़े ना हो हाजरी जागण में सतगुरु आवन हो पड़े ना। लोगों की भी इच्छा है कि गुरु महाराज हमारे घरे भी आवना सही जी। वे लोग दोनों हाथ उठाकर एक बार जयकार करें, बोल सतगुरु देव की। आवन हो पड़े ना सतगुरु, आवन हो पड़े ना हो आवन जागर में दाता, आवन हो पड़े ना जरा खजनों में थोने आवन हो पड़े ना। पहला झुक मेरा राजा पहला आया, पहला झुक मेरा राजा पहला आया। ये पौसरे करोड़ तपसी तारना पड़े ना हो, अरे पांच करोड़ तपसी तारना पड़े हाजरी जागरण में सतगुरु आवड़ो पड़े अजरा भजनों में थोने आवड़ो पड़े भजनों में धोने आवड़ो पड़े पहला युग में राजा पहला था यार। अरे आज जो अपे भक्ति कर दिया, जागरण कर दिया, सत्संग कर दिया, अरे सत्संग नहीं पड़ता आज दिन नहीं है। जय हो सतयुग की लगावे रहा आज दिन तक जने जने सत्संग करिए। अरे वे मनक पलटे ने देवता हुआ हुआ बड़ो रो मनक जमारा रो प्रमोशन हुआ। हमा पहला युग में पहला भक्त भक्ति सुनाई। अरे 5 करोड़ मनक पलटे ने देवता ले किया कितना 5 करोड़ 5 करोड़ मनक पलटे ने देवता। अरे अरे और मने हता भी मर हुआ डॉक्टर हाल तक प्रमोशन हुई को नहीं। सतयुग में पहला भक्त भक्ति सलाई। अरे 5 करोड़ मनक पलटे ने देवता हुआ हुआ और बीजा युग में जय हो। अरे बीजा बीजा युग में राजा हरिचंद आया, अरे बीजा युगों में राजा हरिचंद आया। ये 7 करोड़ तपसी तारना पड़े ना हो, अरे 7 करोड़ तपसी तारना पड़े हाजरी जागरण में अजरा भजनों में थोने आवड़ो पड़े ना। आवड़ो पड़े ना सतगुरु आवड़ो पड़े ना, आवड़ो पड़े ना दिन गुरिया आवड़ो पड़े Thank you.
त्रेता युग में राजा हरिश्चंद्र आया हरे और 7 करोड़ तपसी तारना पड़ेगा। हम अब विचार करो कि एक आदमी भक्ति करे हरी ने पौस पौस हाथ हाथ करोड़ मन को ने ले ने भवसागर थी पार भी जाए हमा। और आज भक्ति करवा वाला मारे जड़ा कितना मार्केट में आदमी है जय हो और कितना करोड़ तरिया मैंने क्वालिटी बता दो आप जय हो। बीजा युग में राजा हरिश्चंद्र भक्ति सलाई अरे जो 7 करोड़ जय हो मनक पलटे ने देवता भी गया। अब गणबो कर दो 5 करोड़ पहलाद्री बार में अरे 7 करोड़ राजा हरिश्चंद्र बार में कितना हुआ 12 करोड़ जय हो। तीजा युग में राजा जेठल आया तीजा युग में राजा जेठल आया ये नवरे करोड़ तपसी तारना पड़ेगा वो ये नवरे करोड़ तपसी तारना पड़ेगा आज भी जागरण में तुझे आवनो पड़ेगा आज भजनों में तुझे आवनो राजा जेष्ठल आया जय हो पांडवरे माय राजा हुआ जेष्ठल हमा युधिष्ठर हरे मने भक्ति सलाई हरे 9 करोड़ मनक पलटे ने देवता भी किया 12 करोड़ तो पहला हुआ जय 9 करोड़ वेर हुआ कितना हुआ 21 करोड़ जय हो। और हमें वो कलयुग रो टेम आले रियो कलयुग रे माय हरे बिलाड़ा में राजा बलि हुआ जय हो। सोता युग में राजा बलिचंद आया एक सोता युगों में राजा बलिचंद आया ये 12 करोड़ तपसी तारना पड़ेगा वो ये 12 करोड़ तपसी तारना पड़ेगा आज भी जागरण में आवनो पड़ेगा आज रा भजनों में खोने आवनो पड़ेगा ये वाह भाई राजा राम जी आज री जागरण में आवनो और दुआ पर तो 21 करोड़ मनक पलटे देवता हुआ कलयुग रे हुआ 12 करोड़ हमा कितना 12 करोड़ तो गणी उड़ा है अरे और हमें अपने देखते देखते कई देवता हुआ हमा हमा। आप कोई भी समाज रो मने नाम बता दो कि बड़े समाज में क्या देवता हुआ अरे मैं आपने नाम बता दूंगा जय हो। फिर शांतिनाथ जी महाराज देवता हुआ कि नहीं हुआ अरे हुआ कि नहीं हुआ हुआ है नहीं जय हो। राजा राम जी महाराज देवता हुआ कि नहीं हुआ जय हो। खेता राम जी महाराज देवता हुआ कि नहीं हुआ जय हो। अरे जेताराम जी महाराज देवता हुआ कि नहीं हुआ नाबो जी महाराज हुआ कि नहीं हुआ मीराबाई हुआ कि नहीं हुआ कर्माबाई झाटनी हुआ कि नहीं है देवता है कि नहीं है जय हो। बनारे मंदिर बने रिया बनारी पूजा भी रही है हमा पर देवता कौन है महादेव जी रो मंदिर बने खेताराम जी रो मंदिर बने जय हो। भाई देवता तो वही जे मरियो रे बाद में मनक पूजा करे वो देवता देवता
हम विचार करो कि ऑफ ही बेहिया तो नहीं बेहिया असहमति व्यवहारिक कोशिश करनी पड़ेगा क्योंकि मन को जमारो बार बार नहीं है नहीं है सजनो आधे टे आई गया कोई आधे टे थी धके किया प्राय किया इसलिए मानव जमन मानव जन्म अनमोल है अरे मिट्टी में मत रोड़ रे अरे अब जो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं और कभी नहीं जय हो आ बात मैं नहीं कह रही हूँ शास्त्र बता रहा है कि 84 लाख योनि भुक्ति और बाद में तू मनक बनियो है बनियो इसलिए थोड़ा विचार कर ले कि मिनक जमारा में सत्संग भी करनी है हरी कोई शो को काम भी करनो है करनो कोई सुकृत काम भी करनो है हम ताकि मिनक जमारा में मरियो और बाद लोग धने याद करेला करेला और अंत में रानी रूपा देवी जी लिखियो हम चारे जुगोरो मंगले रूपा देवी गावे चारे चुपोरो मंगले रूपा दे जिगावे ए थारी माए बागिल गावनो पड़ेला हो ए थारी माए बागिल गावनो पड़ेला आजरी जागे में सतगुरु गावनो पड़ेला देखिए मैं आपके गांव में पहली बार आया हूँ और शायद वैसे आप लोग गुरुमुखी प्राणी हो मने अड़ो विश्वास है गुरुमुखी नहीं रहता तो जागरण में आवता ही नहीं जय हो गरीब भगवान तो पलंग लागोड़ो है कूलर लागोड़ो है एसी लागोड़ी है जय हो और यदि आप गुरुमुखी प्राणी है तो एक बार अपने अपने गुरु महाराज के नाम दोनों हाथ उठाकर जयकार बोल दे बोल सत्य गुरुदेव की खाली हाथ ऊषा नहीं करना बुढ़े भाई की आवड़ी सी जय हो भले ही गुटको बारे आवे तो आवे बोल सतगुरु देव की तो मोटिया राजवीर महादेव जी मलिया हिमाडा अरे कह ले बेटा अमृत पिलाऊ पिलाऊ तो वो के बाल जी रिश्ती गंदा गुटको खादेड़ो रुपया 20 लागे जय हो घंटो प्रियो गाड़ राखो तो पसे बात करो आपे जय हो इसलिए सभी लोग एक बार प्रेम के साथ बोल श्री मायापति महादेव आजरी जाग सभी लोग प्रेम के साथ बोले सतगुरु भगवान की शास्त्रों में बताइयो कि जय बोलवाती आदमी री कुछ मस्ती की जो नशा है नहीं